आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं मंगल पांडे के जीवन से जुड़ी कुछ अनकही बातें। मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नागवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजापुर के गांव सुहूरपुर को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे सन 1839 में 22 साल की उम्र में ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेना में शामिल हो गए थे। 1897 का विद्रोह जो कि ऐतिहासिक रहा है, आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दर्शकों को उपयोग में आई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने के आधुनिक प्रणाली का उपयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी से सीलन को बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती थी। 29 मार्च 1897 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे को दुगवा रहीमपुर में रहने वाले थे। रेजिमेंट के ऑफर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर के उसने घायल कर दिया। जनरल जॉन ए रेसिए के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद के मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पेल्टू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1897 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। आइए अब जानते हैं कि इस विद्रोह का परिणाम क्या था। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं थी। एक महीने बाद ही 10 मई सन 1897 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह विकल्प देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेज़ों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 44,735 अंग्रेज कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे सरी कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत ना कर सके। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मंगल पांडे द राइजिंग 2005 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह पहले स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही मंगल पांडे के जीवन गाथा और भारतीय विद्रोह में उनकी भूमिका पर आधारित एक जीवनी ऐतिहासिक फिल्म है। भारत में दर्शाया गया विद्रोह भारत स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम या सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है।